अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी फरहा चौधरी एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी अल्लाह के शुक्र से आपकी दुआओं से बहुत 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 अच्छी हूँ। तो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे कि आज मैं क्या करने वाली। तो आज मैं करने वाली हूँ अपना बाबी लुक, और इससे पहले भी मैंने अपना बाबी लुक करा था, बट वो मैंने ऐसी पोस्ट करा था, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया नहीं था, बट आज मैं पूरा डिटेल में समझा के आप लोगों को करूँगी एक एक स्टेप, ठीक है। ऑलरेडी मैंने लेंस पहन लिए हैं, तो आप लोग भी ज़रूर लेंस पहनिए क्योंकि उससे असली इफेक्ट निकल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी टोनिंग और मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, और उसके बाद प्राइमर भी लगा लिया था। अब हम करेंगे अपना फाउंडेशन, ठीक है। तो हमने फाउंडेशन के लिए दो कलर रखे हैं, मैं हमेशा दो कलर रखती हूँ। फर्स्ट है मेरा मतलब फॉरएवर 52 के, एक लाइट रखती हूँ और एक डार्क रखती हूँ। इसका लाइट का जो शेड है वो है 009, और जो डार्क का 6 लिखा है, क्योंकि आई थिंक इसका पीछे का मुझसे हट गया है, ठीक है। तो मैंने दोनों अपने हाथ पे ले लिए। मैंने हाथ पे, आप पैलेट पे भी ले सकते हो। अब मैं इसको देखो मिक्स करूँगी। व्हाइट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखना और डार्क की थोड़ी कम। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करें। डार्क अगर थोड़ा सा भी लेते हो ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो मैं हैंड पे इसलिए कर रही हूँ मिक्स, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होता है तो फिर स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। हम पैलेट पे भी कर सकते हैं, बट आप एज अ प्रोफेशनल अगर आप किसी के कर रहे हो तो आप कोशिश करना कि आप पैलेट पे करो, आप हैंड पे ना करो। और आपको पीछे से थोड़ी थोड़ी कार्टून की आवाज़ आ रही होगी, वो दुआ बैठी है मेरे पास में, तो वो भी देख रही है, यहीं बैठी है, यहीं बैठ के देख रही है। मेरा थोड़ा सा वाइट कम था, मैंने अपना में वाइट थोड़ा और मिक्स करा। ऐसे आपको भी करना है, और शायद थोड़ा पंखे की भी आवाज़ आ रही होगी, आज मैं एसी में नहीं बना रही, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और इंशाल्लाह मैं जल्दी अपना माइक भी मंगा लूँगी, तो फिर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आवाज़ आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे से ये मिक्स हो गया, आप देख सकते हो मेरे पूरे हैंड में। अब आपको मैं लगा के दिखाती हूँ। तो अभी मैंने अपना बेस बिल्कुल ब्लेंड कर लिया है। अब हम करेंगे अपनी कॉन्टोर, कॉन्टोर के बाद हम करेंगे कंसीलर। मैंने कंटूर को ब्लेंड कर लिया है, और ध्यान रखिएगा जब भी आप कंटूर को ब्लेंड करते हो अपने, तो उसके उसी जगह पे करें। तो ये वाला जो होता है हमारा चिकबोन जो होती है हमारी, तो इसको ऊपर की साइड करना है, ठीक है। और जो फॉरहेड है उसको ऊपर की साइड करना है, नोज़ नीचे की साइड, और ये जो होती है हमारी जो लाइन इसको नीचे की साइड, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना कंटूर करने में। अगर आप कंटूर उसकी जगह से फैला दे तो क्या हो जाएगा, पूरा फेस डार्क हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने ध्यान रखनी है आपको। अब मैंने ब्लेंड कर लिया है, अब हम लगाएंगे ब्लशर, क्रीमी ब्लशर, ठीक है। तो ये है मेरा क्रीमी ब्लशर फेसेस कैनेडा का। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा इसे लूँगी, और इसी जगह पे ब्लेंड करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ, मेरे पास इधर मिरर है इसलिए मैं इधर, चलो इधर देख के कर लेती हूँ। डैप डैप करके उसको घसीटना नहीं है, अगर सॉरी रब नहीं करना, ड्रैग नहीं करना। अगर ड्रैग करके करोगे तो क्या होगा, हमारा जो बेस लगा है ना नीचे, वो भी रिमूव हो जाएगा, वो भी हट जाएगा। तो ये रही, तो प्यारा लग रहा है ये, बाद में हम पाउडरिंग ब्लशर भी करेंगे, ठीक है। सब कुछ क्रीमी करने के बाद उसके बाद पाउडर भी करना है, हो गया। अब हम करेंगे अपना कंसीलर। कंसीलर तो आप लोगों को पता है, स्किन से 1 या 2 टोन लाइटर यूज़ करना चाहिए हमें। कंसीलर, ठीक है। तो मैं फॉरएवर 52 का 001 कंसीलर यूज़ करूँगी। अब इसको भी थोड़ा स्ट्राइल में लगाएंगे, फिर बार भी लुक कर रहे हैं ये, और ये शार्प दिखानी है हमें, आईज को शार्प दिखाना है ये,
एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज, इसको क्या कहते हैं, ब्रिज ऑफ द नोज, और क्यूपिड वो, और हल्का सा यहाँ, ठीक है, और जहाँ भी आपको नीड लगे हल्का सा ये, और ये हमारा फॉरहेड। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, सब चीज़ को ब्लेंड करना है और अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर कहीं भी पैचेस रह गए तो हमारा मेकअप बहुत अजीब लगेगा, ठीक है। तो मैंने अच्छे से अपना कंसीलर भी ब्लेंड कर लिया, आप लोग देख सकते हो ये कितना ऐसा लग रहा है, थोड़ा लिफ्टेड है। अब हम करेंगे अपना पाउडरिंग, मैंने पाउडरिंग कर ली थी, अब मैं अपनी फिल करूँगी आईब्रो, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप। तो हमारी आईब्रो भी फिल हो चुकी है, अब करते हैं अपना आई मेकअप। तो एक आई का मैंने कर लिया, मैंने कुछ ज़्यादा मतलब कुछ करा नहीं है, जो भी करूँगी अब आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपना लाइट पिंक कलर लेंगे, तो अब हम लेंगे अपना डार्क कलर, जो कि डार्क कलर मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 के आई शेडो पैलेट में से, ये डार्क पिंक कलर लूँगी, ठीक है। मुझे कुछ व्हाइट में लगा रहा था, व्हाइट सा पिंकिश था, तो मेरे पास ये रेवोल्यूशन की ब्लशर हाइलाइटर पैलेट है, तो इसमें से मैंने ये व्हाइट कलर लिया जो कि थोड़ा पिंकिश भी है, और इसको ऐसे आईज पे लगा देंगे, ताकि जो हमारी आई लिड है वो बहुत बड़ी बड़ी सी लगे। सी कितनी अच्छा है, अगर आप ये खाली भी लगा लोगे ना, मतलब सिंपल ऐसी, तो भी बहुत अच्छा लगता है, और इनर कॉर्नर पे भी, और अच्छे से पूरा ऐसे शेप देनी है जैसे हमने कट क्रीज बनाई हो। और थोड़ा आगे तक ले आओ ऐसे, इसको भी थोड़ा और डार्क कर देती हूँ। ठीक है, अब जो जिससे हमने दोबारा पिंक कलर लिया था उस ब्रश को लेंगे, हल्का सा टच करेंगे, फिर डस्ट आउट करेंगे और आउटर कॉर्नर को ब्लेंड करेंगे जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना ब्लू कलर लेना है, क्योंकि मेरे पास ब्लू पेंसिल थी बट वो अभी मिलने नहीं, आपको पता है जब भी हमें कुछ काम करना होता है तो मिलती नहीं है। तो मैंने अपना एक आई शेडो पैलेट लिया, उसमें से मैं अपना ये नॉर्मल है, लोकल है, ठीक है, इसमें से मैं दो कलर को मिक्स करके नीचे का ब्लू कलर कर दूँ, ठीक है। थोड़ा आइस को बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है। अब मेरे पास है ये ब्यूटी पेंसिल है, इसको माई के ऊपर भी यूज कर सकते हो और अंदर भी, वाटर लाइन पे, तो इसको वाटर लाइन पे अप्लाई कर दे। ये भी ब्लू कलर की, इसमें वाइट लगी होगी, ठीक है, इसको भी डार्क कर देंगे। मुझे लग रहा है वीडियो बहुत बड़ी होने वाली, कोई बात नहीं, और आज अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखनी तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर देखनी पड़ेगी। अब इतना हो गया हमारा, इतना डन हो गया, अब हम लगाएंगे अपने लैशेज। तो मैं लैशेज लगा के आती हूँ, अगर आपको उसका भी ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। तो मैंने अपने लैशेज लगा ली हैं, अब नीचे नीचे लैशेज के लिए मैंने एक ट्रिक सीखी थी, तो आज वो ट्रिक करूँगी, हो सकता है इसमें बहुत अच्छी लगे। क्या करेंगे हम अपना ब्लशर लगाएंगे, तो ब्लशर हम पिंक लगाना है, तो मैं आई शेडो पैलेट में से अपना ब्लशर यूज़ करूँगी ब्राउन कलर।
ब्रश ढूंढो, ये रहा ब्रश, ठीक है। आई शेडो पहले पिंक कलर ले लिया और उसको डस्ट आउट करो। तो थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ किसकी है, माइग्लेम की, सॉरी माइग्लेम का बिल्कुल ये कलर ले रही हूँ और हल्का हल्का सा यहाँ ना टच करूँगी ना। अब मैं आपको मिलूंगी ड्रेस चेंज करके, ठीक है। तो ये मेरा है फाइनल लुक, मैंने हेयर बना लिए थे और आगे के हेयर को थोड़ा कर्ल्स करा है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाओ, जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।